बताने जा रहे हैं, जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जिंदगी की जान पर बात आ गई। आपको बता दें, हम बिल्डिंग हादसे के बाद मौके पर दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाता है, एक शख्स की मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक, दो, तीन, चार और पांच, सिर्फ 5 सेकंड और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई इमारत। करीब 51 सेकंड का ये वीडियो दहशत से भर देने वाला है। चंद सेकंड पहले तक यहाँ 2 मंजिला इमारत थी, जो देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बिल्डिंग हादसे के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर बचाव के लिए पुलिस की टीम पहुंच गई। हादसे की ये तस्वीरें उत्तर पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया की हैं, जहां शनिवार शाम को ये बड़ा हादसा हो गया। 2 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि महेंद्रो एनक्लेव में गिरी ये इमारत जर्जर हालत में थी और इस हादसे में कुछ मजदूर भी दब गए। दरअसल बिल्डिंग में मजदूर मरम्मत का काम कर रहे थे। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां भी पहुंची और मलबे की ढेर से 3 मजदूरों को निकाला गया, जिसमें 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 1 शख्स की हालत गंभीर थी। 3ों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक इस हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ध्वस्त हुई बिल्डिंग में करीब 10 साल पहले बैंक्वेट हॉल चला करता था, लेकिन 5 साल पहले इसको प्रशासन ने सील कर दिया था। इसके बावजूद इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।